ये है मेन ब्यूटी स्टेशन जिसका इंतज़ार था मेरे को। कहाँ कहाँ जाऊँ, चारों तरफ फोटो ही खींच रहे लोग। गेट ऑफ इंडिया के नज़दीक जा रहा हूँ आपको। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ रंजन, आप लोगों के साथ अभी फ़िलहाल हूँ बांद्रा स्टेशन में। और बांद्रा स्टेशन का हालत कुछ फ़िलहाल ऐसा है। तो अभी बांद्रा स्टेशन में हूँ खड़ा मैं, पर यहाँ से जा रहा हूँ फिलहाल जो कि ब्रिटिश स्टेशन है। पहले इसका नाम था ब्रिटिश स्टेशन, अभी इसका नाम है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई के इतने सारे लोकल स्टेशन में से सबसे बड़ा स्टेशन है। और सिर्फ लोकली एक्सप्रेस जो स्टेशन है उसमें से भी सबसे बड़ा है। और उसका व्यू काफ़ी ख़तरनाक है, वहाँ भी जाने वाला हूँ, उसके बाद भी जाने वाला हूँ मैं फिलहाल जो कि गेट वे ऑफ इंडिया, जहाँ पे सबसे लास्ट ब्रिटिश लोग वहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ पे। और ताजमहल पैलेस जो होटल है, फाइव स्टार होटल, जहाँ पे इंडिया मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ था ना, वहाँ पे सारे लोग बस दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बस मेरे से जुड़े रहिए। अभी फिलहाल ट्रेन के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रेन लेना है मुझे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टेशन के बाद आएगा CST जो कि VT स्टेशन है। फाइनली हमें पहुंच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और ये स्टेशन काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी बड़ा भी है। आई थिंक यहाँ पे लो लाइट की वजह से आप लोगों को पूरे तरीके से नहीं दिखेगा, मैं यहाँ से बाहर निकलते ही चारों तरफ से दिखाऊंगा आपको। और एक चीज़ दिखा रहा था मैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टेशन है, यहाँ पर आ रहा था मैं, और चारों तरफ लिखा हुआ है यहाँ पर ना थूके, डोंट स्पिट। चारों तरफ मुझे ना गुटखे का, जो गुटखे और पान का थूकने का चारों तरफ प्रूफ है सारे, चारों तरफ आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मतलब स्टेशन के बीचों बीच चल रहा हूँ मैं, पटरी के प्लेटफॉर्म में चल रहा हूँ। जैसे स्टेशन से बाहर निकलता मैं दिखाऊंगा, मैंने शूट नहीं किया वो सारी चीज़ें, पर आगे अगर दिखेगा तो बताऊँगा आप लोगों को। वो सारी चीज़ें दिखा था मुझे इसलिए बोल दिया, और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी भीड़ लग रही है, जितने सारे बड़े बड़े मतलब स्टेट्स में सारे बड़े बड़े ट्रेन जाती है ना, वो सारे यहीं से जाती है, मेन यहीं से छोड़ता है। और बाकी आप दादर में से भी ट्रेन पकड़ सकते हो। मैं इस फिलहाल बाहर निकल रहा हूँ यहाँ पे ब्रिटिश स्टेशन का बाहर। हाँ, दिखाऊँ आप लोगों को मैजिक। ये है मेन ब्रिटिश स्टेशन जिसका इंतज़ार था मेरे को आगे यहाँ पे। और मैं जिस तरफ से आया ना, वो राइट हैंड साइड में वो था लोकल का स्टेशन प्लेटफॉर्म्स, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में था जो एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म्स। जो सारी एक्सप्रेस ट्रेन आती है वो उस तरफ आती है इसके अंदर। फिलहाल चल रहा हूँ यहाँ पे ब्रिटिश स्टेशन से, स्टेशन के सामने। ये जो ब्रिटिश स्टेशन है ना, ये बना हुआ है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, जो कि 1887 में करीबन 130 या 40 साल पहले बना हुआ था। इसके पीछे बहुत सारे स्टोरीज है। ठीक है, यहाँ पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, यहाँ पे टेरर अटैक हुआ था 2008 में ही हुआ था, जब ही गेट ताजमहल पैलेस जो होटल है वहाँ पे जब भी हुआ था, जिस दिन यहाँ पे भी उसी दिन हुआ था, आई थिंक 26 नवंबर 2008 को। एक काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत, आपको कैमरा में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा होगा, पर उससे भी बहुत गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी फ़िलहाल यहाँ से पैदल चलते हुए मैं बस पकड़ लूँगा, बस से जाऊँगा सीधे चर्च गेट, सॉरी नॉट चर्च गेट, गेट ऑफ इंडिया, जब भी आपको ताजमहल पैलेस होटल भी दिखेगा। यहाँ पे मोस्टली सारे जो जितने सारे बिल्डिंग्स आपको दिखेगा ना, वो सारे आपको ना वो ब्रिटिश लोग जैसे बनाया ना, इंग्लैंड लंदन के जितने सारे बिल्डिंग्स हैं उसके टाइप का आपको दिखेगा, क्योंकि सारे ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया ना इसके लिए। और यहाँ के बसेस दिखा रहा हूँ लोगों को, सारे रेड कलर के दिख रहे हैं लोगों। आप अगर दादर के इस तरफ आओगे ना, इस तरफ को बोलते हैं कि असली मुंबई, जहाँ पे कहीं पे भी अगर ऑटो रिक्शा चल रहा है ना, वो असली मुंबई नहीं है, वो है न्यू मुंबई। पर ओल्ड मुंबई जो मेन है वो है आपका, जहाँ पे टैक्सी चल रहा है, जहाँ पे रिक्शा नहीं चल रहा है, ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा है, उस तरफ पूरा न्यू मतलब ओल्ड मुंबई है। और यहाँ पे आपको पूरा जो मेन मुंबई जैसे फीलिंग आएगी, जो ब्रिटिश राज के टाइम जैसा था। ठीक है, और ये जो अपना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है ना, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रखे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का क्या बोलते हैं साइट है। ठीक है, कौन से साल में मुझे ये मिला मुझे नहीं पता, पर ये मिला मुझे इतना पता है। फिलहाल जो रेड बसेस है ना, उसमें चढ़ के जाना है मुझे गेट ऑफ इंडिया।
मेरी नसीब इतनी ख़राब है ना, सोचो लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग, मैंने ब्लॉग चालू किया फिर बारिश चालू हो गई, अभी भी आज भी वैसे ही सीन है, चारों तरफ देखो गीला गीला, धूप नहीं है अभी, लेकिन अब 5 बजे है इसी टाइम पर धूप रहती है, पर अभी कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम बारिश बारिश गीला गीला हो गया, कपड़े वगैरह सारे गंदे हो जाएंगे थोड़ी देर में, पर अच्छा हुआ बारिश ख़त्म हो गई है। गैस यहाँ पे जो टैक्सी वाले अंकल थे वो यहाँ पे छोड़ दिए, उन्होंने बोले कि यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाऊँगा तो आ जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, सामने ही है जो दिख रहा है, समंदर दिख रहा है मतलब सामने ही है, और यहाँ पे कुछ तो है पता नहीं, पुराने ब्रिटिश जमाने बना हुआ कुछ चीज़ दिख रहा है, रोज़ पता नहीं कौन सा थिएटर है पर ब्रह्मास्त्र मूवी लगी हुई है देखा मैंने, और शाम होने आया इसलिए मैं पैदल जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, 5:10 हो गया, अभी जल्दी नहीं भागूंगा तो शाम हो जाएगा फिर कुछ लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, अंधेरे में मैं खुद देख लूँगा, कैमरे में ऐसे भी लाइट थोड़ा कम आती है, उससे जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। ओल्ड मुंबई से न्यू मुंबई बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है, ओल्ड मुंबई आओगे तो पूरा एकदम पुराने जो फील आता है ना, सच बताओ तो आप लोग ऐसा ना, मुझे कोलकाता में या फिर दिल्ली में फील नहीं हुआ जो मुंबई में यहाँ आके फील हो रहा है, मुंबई देखो मैं खार में रहता था, पहले अंधेरे रहता था फिर खार रहता था, यहाँ पे मैं पहले 1 या 2 बार आया हार्डली इतने सालों में, पर अभी फिर से आ रहा हूँ इतने साल बाद तो खुल के इन्जॉय कर पा रहा हूँ, और सामने मुझे सी दिख रहा है ये देखो आगे, और ये रहा इंडिगो दिल्ली गटसन, ये भी काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पुराने पुराने सारे जितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना वो यहाँ पे, ये है पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, ये रहा वहाँ पे भीड़ है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ का सबसे जो बेस्ट लगा ना वो है कि बसेस, ये देखो बसेस कितनी खतरनाक मतलब बहुत शानदार है, और लुक भी बहुत सही है, BST का बस है पर मतलब बहुत सही है, उस तरफ तो एकदम पूरा ख़राब हो गया सारे बसेस, ये तो एकदम लग्जरी बस जैसा दिख रहा है, जाते टाइम यही बस से निकल जाऊँगा ना, तो फिर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तड़ के देख रहे ऐसा निकल जाता हूँ यहाँ से, सब तो मुझे ऐसे ही पूरा गेट ऑफ इंडिया दिख गया मुझे, चलो 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 रोड क्रॉस, यहाँ पे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि रोड कैसे क्रॉस करेंगे, कहीं से भी निकल जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और चारों तरफ यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे कचरा दिख रहा है, इससे पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि पब्लिक इतनी आती है, तो आई थिंक रात को साफ सफाई हो जाती होगी, और बारिश के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखा है, देखो पुलिस की नज़रदारी बहुत कड़क है यहाँ पे, चारों तरफ पुलिस स्टेशन दिख रहा है, आई थिंक यहाँ से एंटर जो कर रहे हैं हम लोग कोलाबा पुलिस स्टेशन, और हाँ ये एरिया कोलाबा में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आगे पुलिस स्टेशन की चेकिंग हो रही है, वो फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया फाइनली पहुंच गया, फाइनली बहुत सालों बाद, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, सारे जैसे इंडिया गेट के सामने कैमरामैन सारे खड़े हुए थे ना, यहाँ पे भी वैसे ही है, और जो आपको बताया था इंडिया गेट तो सामने है, और उसके बाजू में जो दिखाने वाला था मैं आपको वो है ताज होटल, ताजमहल पैलेस, जो पहले ताजमहल टावर नाम पे था, ताजमहल होटल और ताजमहल पहले टावर था पहले, तब बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे अच्छा पूजा गणपति हो रहा है, सॉरी सॉरी गणपति हो रहा है, सॉरी ये देखो वाह, रीरा ओबेरॉय होटल, सॉरी यहाँ पे ओबेरॉय होटल है, रीरा ताजमहल पैलेस, बहुत बढ़िया दिख रहा है यार, फोटो में जितना खूबसूरत दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पहले ना इसका कलर वगैरह कुछ
सॉरी वीडियो फोटो ले रहा है मैं बीच में आ गया। अरे बाप रे, ये अफ्रीकन है। कहाँ कहाँ जाऊँ, चारों तरफ फ़ोटो ही खींच रहे लोग। गेट ऑफ इंडिया के नज़दीक जा रहा हूँ आपको। मैं लास्ट टाइम यहाँ से ना जो बोर्ड वगैरह चलते हैं यहाँ से एलिफेंटा केव्स गया था मैं, आज से बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले, नहीं 6-7 साल पहले, भूल गया कितने साल पहले, तो बहुत पहले एनीवे। और यहाँ से तभी लेता था 500 या 600 रुपये बस जाने के लिए। काफ़ी दूर है ना, पूरे दिन वहाँ पर ही निकाला था लोगों ने, और खाना वगैरह उधर ही खाया था। फिर आ गया गेट ऑफ इंडिया सामने एकदम। हम लोगों को फ़ोन की फ़ोटो लेना चाहिए, फ़ोन के जो कैमरे से ना फ़ोटो लेना चाहिए। गेट वे ऑफ इंडिया। ये रहा ताजमहल पैलेस और ये रहा ओबेरॉय होटल। लास्ट टाइम भाई बारिश हुई थी बहुत तगड़ा, इसका जो वेव है ना समंदर का वो यहाँ तक ऊपर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा था। इस वक्त तो इतनी बारिश हुई नहीं है। सामान लेके जाना, किनारे जाके दिखा रहा हूँ मैं। गैस यहाँ पे आया ना, सोचा एक काम कर लेता हूँ, मैं इसके सामने फ़ोटो खींच लेता हूँ एक, ठीक है, कैमरे से। कैमरे वाले वही बोल रहे हैं सेम डील 30 रुपीज़, जैसे कि जो इंडिया गेट के सामने जो डील थी ना सेम लेते हैं, सेम। मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि वही कैमरे वाले यहाँ पे तो नहीं है, सेम प्राइस है बिल्कुल। मेरे को लगा मुंबई थोड़ा महंगा होगा थोड़ा, पर ऐसा नहीं है, सेम प्राइस है। सोच रहा हूँ एक फ़ोटो या फिर दो फोटो खींच लूँगा और 30 रुपये में निपटाने की सोच रहा हूँ, डील कर लेता हूँ पहले। 60 में नहीं होगा। बस फिलहाल यहाँ पे चल रहा हूँ पैदल, यहाँ पे फ़ोटो खींचने आ रहा हूँ। अंकल को बोला यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, दोनों तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। सो गाइस फाइनली फ़ोटो वगैरह मिल गया मुझे, ठीक है, दो फोटो है इसमें। और मैंने सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में ले लिया और सोशल मीडिया में मैंने अपलोड भी कर लिया। आई थिंक अभी तक अपलोड हो भी गया होगा, 2-4 लाइक भी आ गए होंगे। तो अभी इससे थोड़ा ज्ञान की बात कर रहा था मैं, जो भी ये जो गेट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ से जितने सारे टेररिस्ट अटैक्स जो हुआ ना मुंबई में, वो सारे जो टेररिस्ट आए ना वो यहाँ के थ्रू ही आए थे। इससे और कोई रोड है ही नहीं आने के लिए, इधर एंटर करने के लिए। तो 2008 में जो 26 नवंबर में जो टेरर अटैक हुआ था, जितने सारे टेररिस्ट आए थे वो यहीं से आए थे, जो लश्कर वाले ने टेरर अटैक करवाए थे लगातार 3 दिन यहाँ पे जो ताजमहल पैलेस होटल है और VT स्टेशन जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहाँ पे और भी 2-3 जगह पे, चर्च गेट, बहुत सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में भी लगातार 3 दिन वहाँ पे सारे में एक दिन जो फायरिंग किए थे, और यहाँ पे 3 दिन लगातार बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह हुआ था। फिर इंडिया के जो कमांडोज है वो एक दिन में आके रेस्क्यू करके सबको लेके गए थे, उसमें से 150 हॉस्टेजेस मारे गए थे, जिसमें से मोस्टली सारे फॉरेनर्स ही थे, और इंडियंस भी बहुत सारे थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो लोग भी बहुत सारे थे। तो बहुत बुरी घटना था वो। अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, और उसी साल ये शुरुआत भी हो गया था, मतलब जब भी टेरर अटैक हुआ था 1-2 महीने के बाद ये होटल चालू हो गया था, पर फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होके 2010 को फिर से मतलब रीओपन हुआ था, जो कि एकदम फुल्ली फर्बिश करके एकदम बहुत सारे काम वगैरह जो भी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ था वो सारे काम रिपेयर करके फिर बाद यहाँ पे चालू हुआ था। 2 साल लग गया था पूरा उसके लिए, आई थिंक 1.5 करोड़ शायद से, या फिर 150 करोड़, पता नहीं मुझे, 1.5 बिलियन रुपीज़ लगा था। तो पता कर सकते हो कितना रुपए लगा था इसको बस रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि नुकसान हुआ था टेरर अटैक से। और फिलहाल वहाँ पे गेट ऑफ इंडिया वहाँ पे जाने का अलाउड नहीं है, इसलिए आ गए यहाँ पे सामने। मुझे ना तब से ना ये रेड जो बस है ना वो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये रेड बस। फिलहाल अभी यहाँ पे ताजमहल पैलेस होटल के सामने से पैदल चलते हुए और पीछे छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे ओबेरॉय होटल। ये काफ़ी, ये ना आपको बताया ना मैंने, इसको तो जैसे VT स्टेशन को यूनेस्को मिला है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का साइट माना जाता है, कौन से साल है मुझे नहीं पता, और पीछे से कोई कमेंट कर रहा है। और इसकी इसकी जो शान है ना वो पूरे वर्ल्ड को पता है, क्योंकि ये एक लौता जो होटल 5-star होटल है, सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड किया गया सर जमशेद जी टाटा के नाम पे, मतलब नाम पे नहीं, उन्होंने ही बनाए थे, फिर बाद में सर रतन टाटा जी ने उसको कंटिन्यू किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं, मतलब फॉरेनर्स,
और आई थिंक 2010 में जब ये फिर से चालू हुआ था तभी सर बराक ओबामा जो कि यूएस का प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे आके फर्स्ट दिन यहाँ पे रुके थे, बस प्रूव करने के लिए कि ये सेफ है बोल के टेरर अटैक के बाद। और जो टेरर अटैक हुआ था ना उसका जो मास्टरमाइंड थे वो आई थिंक पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो कि ये मास्टरमाइंड कराए थे पूरे, मतलब अमेरिकन थे शायद से वो। ये था छोटा सा स्टोरी जो भी मेरा नॉलेज में था वो बता दिया मैंने, मुझे सारे पहले ही पता था, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई भी स्टडी भी किया लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सामने सरदार जी वहाँ पे खड़े हैं ताजमहल पैलेस के एंट्रेंस के, यहाँ पे ये रहा मेन एंट्रेंस। अंदर ना और भी शानदार है, सामने इतना नहीं दिख रहा है, और भी शानदार है। यहाँ पे लुई विटों का शोरूम है पूरा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखा नहीं मैंने अभी तक। मुंबई की बीच लाइफ बेस्ट है, इसीलिए ना मुंबई का नाइट लाइफ इतना पॉपुलर है। मुझे दुबई से क्या, कोई भी सिटी से मुंबई ज़्यादा अच्छा लगता है। पैसे कमाने के लिए अगर कोई जा रहे हो दुबई तो सही है, पर लाइफस्टाइल यहाँ की बेस्ट, कोई नहीं हरा सकता यहाँ का। ठीक है एनीवे गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, भीड़ बढ़ती जा रही है, अरे शाम होने को आया है। मैं यहाँ से निकलता हूँ और दूसरे कहीं पर जाके ब्लॉग करता हूँ। ये आज ही मेरा लास्ट दिन है, मैं कल से तो निकल जा रहा हूँ ऐसे भी कोलकाता, और उसके बाद मेरा दांत निकलना है, उसके बाद ब्लॉग नहीं आ पाएगा, खाना ही नहीं खा पाऊँगा तो बातें कैसे करूँगा मैं। फ़ोटोज़ ले लिया भैया मैंने, खाना वगैरह कुछ खाना तो यहाँ पे खा सकते हो। पीछे अंकल ने बच्चे को धक्का दिया, फेंक दिया यार उसका ही बच्चा, क्या ही बोलूँ मैं, पहले से नहीं समझ सकते तो क्यों गुस्सा कर रहा हूँ अभी। एनीवे बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।